सुप्रभात बच्चों, हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में हम फर्स्ट लेसन पढ़ेंगे भाषा, यानी कि हमारी भाषा, आवर लैंग्वेज। भाषा के बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। भाषा यानी हम देखते हैं भाषा के बारे में। भाषा क्या होती है? भाषा हम एक दूसरे के साथ बातें करते हैं, एक दूसरे के सामने हमारे भाव व्यक्त करते हैं, उसे ही क्या कहते हैं भाषा। भाषा की डेफिनेशन है, अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने तथा दूसरों की बात समझने के लिए हम जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं उसे भाषा कहते हैं। यानी हमारी भावनाएं व्यक्त करते हैं किसी दूसरे के सामने, उसे ही क्या कहते हैं हम भाषा। भाषा के भेद, यानी भाषा के कितने भेद होते हैं? भाषा के दो भेद होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। सबसे पहले हम मौखिक भाषा के बारे में पढ़ेंगे। मौखिक भाषा की डेफिनेशन यानी परिभाषा है, बोलकर अपनी बात बताना और सुनकर दूसरों की बात समझना भाषा का मौखिक रूप है। मौखिक भाषा में क्या होता है कि हम अपनी बातें किसी को बोलकर बताते हैं और सामने वाला हमारी बातें सुनता है, या फिर सामने वाला बोलता है और हम उसकी बातें सुनते हैं, वही क्या होती है मौखिक भाषा। जैसे कहानी सुनना या कहानी सुनाना, बातचीत करना, भाषण देना, भाषण सुनना आदि आदि किस में आते हैं? जैसे कि रेडियो पर बात करना, टेलीफोन पर बात करना, ये सभी मौखिक भाषा के अंतर्गत आते हैं। अब सेकंड नंबर हम पढ़ेंगे लिखित भाषा। लिखित भाषा में किसी भी बात को हम लिख कर व्यक्त करते हैं। लिख कर अपनी बात बताना और पढ़कर दूसरों की बात समझना भाषा का लिखित रूप है। जैसे पत्र लेखन, अखबार पढ़ना, पुस्तक पढ़ना आदि। यानी पत्र लिखा हुआ होता है, इसका मतलब लिखित चीज़ें होती हैं वो किस में आएंगी? लिखित भाषा में। अखबार पढ़ना, अखबार भी लिखा हुआ होता है और उसे हम पढ़ते हैं, वो किस में आएगा? लिखित भाषा में। अब हम आगे देखते हैं। भाषा के विविध रूप, यानी भाषा के कितने रूप होते हैं वो देखते हैं। भाषा के तीन रूप हैं, राजभाषा, राष्ट्रभाषा और बोली। राजभाषा में हम देखते हैं राजभाषा क्या होती है। यानी भारतीय संविधान द्वारा हिंदी को भारत की राजभाषा यानी अर्थात सरकारी कामकाज की भाषा घोषित किया गया है। यानी भारत के संविधान में हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित किया गया है क्योंकि सरकारी कामकाजों में हिंदी भाषा का उपयोग किया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया, इसलिए हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। यानी 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर वर्ष हम 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस मनाते हैं। अब हम देखते हैं राष्ट्रभाषा, यानी राष्ट्रभाषा क्या होती है। किसी देश में सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली तथा समझी जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। यानी किसी देश में सबसे ज़्यादा लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा। भारत जैसे विशाल देश में जहाँ अनेक भाषाएं एवं बोलियों वाले लोग रहते हैं, हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जो सभी जगह बोली जाती है। यानी सबसे ज़्यादा कौन सी बोली बोली जाती है? हिंदी। इसलिए हिंदी को ही भारतवर्ष की राष्ट्रभाषा माना जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा क्या बोली जाती है? हिंदी। सभी देशों में सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है, इसलिए इसे राष्ट्रभाषा कहा गया है। अब हम देखते हैं बोली। बोली क्या होती है? बोली के क्षेत्रीय रूप, यानी भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। भाषा का जो क्षेत्रीय रूप होता है उसे बोली कहते हैं। ये सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, यानी इनका क्षेत्र सीमित होता है। यानी बोली कुछ कुछ जगहों पर बोली जाती है। एक भाषा की अनेक बोलियां हो सकती हैं, जैसे यानी भाषा एक होती है, उसकी अनेक बोलियां हो सकती है।
जैसे कि भोजपुरी, राजस्थानी, हरियाणवी, गढ़वाली इत्यादि। ये सभी क्या है, हमारी बोलियाँ, यानी ये सीमित क्षेत्र में बोली जाती हैं। आज हम इसके बारे में जानेंगे, यानी भाषा के बारे में आप सभी को पढ़ना है और इसे समझना भी है। आज का यही होमवर्क है कि इसे पढ़ो और समझो। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।